समीर और नैना की शादी। जी हाँ, जिसका इंतजार हर किसी को था, फाइनली समीर और नैना बंधने जा रहे हैं शादी के प्यारे से बंधन में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट हिमांशी, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ। आप सभी जानते हैं कि ये उन दिनों की बात है, काफी ज्यादा पॉपुलर शो माना जाता है। जी हाँ, इस शो की कहानी शुरू से ही काफी ज्यादा दिलचस्प रही है। जिस तरीके से समीर और नैना की लव स्टोरी ने हमेशा से आपको बांध कर रखा है, वो कहीं ना कहीं आपको वेट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइट करता होगा, क्योंकि अब जो है समीर और नैना जो है वो शादी के बंधन में बंध जाएंगे। और इसी बीच जो है अलग अलग कह सकते हैं रिचुअल्स चल रहे हैं, चाहे वो मेहंदी हो या फिर हल्दी हो या फिर कहीं शॉपिंग की बात हो, ये सारी चीजें जो हैं बड़ी ही एक्साइटिंग लग रही है। उसी बीच आप सभी देख ही रहे हैं किस तरीके से समीर यानी कि रणदीप राय जो कि इस शो में नजर आ रहे हैं समीर के किरदार में, और दूसरी तरफ नजर आ रही हैं आशीष सिंह एज नैना। नैना समीर की जोड़ी ने यूं तो दर्शकों को शुरू से ही अपनी ओर खींच रखा है, बांध रखा है, तो वहीं टीआरपी के मामले में भी ये शो काफी अच्छा रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं समीर और नैना की शादी के बारे में। सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से इनकी शादी का जो ट्रैक चल रहा है वो व्यूवर्स को बहुत पसंद आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जहाँ शादी का ट्रैक चल रहा है उसी बीच नैना समीर की केमिस्ट्री भी सुपर्ब लग रही है। वेल, आपको बता दिए कि समीर मांग रहे हैं नैना से किस चीज़, ऑन स्क्रीन अगर हम किसकी बात करें तो फर्स्ट टाइम अगर होगा तो समीर नैना का किस इन्हीं दिनों में हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि समीर ने की है नैना से किसकी डिमांड। जी हाँ, आप सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा होगा किस तरीके से समीर लेकर जाते हैं नैना को ड्राइव पर, और वहां पर समीर मांगते हैं नैना से किस। कहीं ना कहीं समीर हमेशा से अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आए हैं, और इस बार भी समीर ने नैना को दे दिया है एक गुलाब का फूल। जी हाँ, गुलाब का फूल देते हुए समीर ने नैना से करी किसकी डिमांड, जिसके बाद नैना घबरा सी गई। वेल, आप सभी ने देखा है कि नैना जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई हमेशा नजर आई हैं, तो वही समीर हमेशा आगे बढ़ते हुए नैना से अपने प्यार का इजहार भी करते हैं, और साथ ही साथ वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें प्यार है, वो भी थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा प्यार है। जिस बीच जो है फैंस यही इंतजार करते रहते हैं कि आखिर कब होगी नैना समीर की पहली किस, शो की ऑफिशियली दिखाई जाएगी। जी हाँ, ऑन स्क्रीन किस आखिर कब होगी, कब नैना खुद से देंगी समीर को एक किस जिसका हर किसी को इंतजार है। वेल, समीर से ज्यादा कहीं ना कहीं फैंस कर रहे हैं इनके किस का इंतजार, जिसको लेकर फैंस हमेशा से कमेंट्स के जरिए यानी कि जो ये जोड़ी है समायना, जिनको आप सभी ने प्यार दिया है अभी से नहीं बल्कि जब से शो शुरू हुआ है तभी से, इनकी स्कूल की जो लव स्टोरी है वो इतनी पसंद की गई कि हर कोई नैना समीर के प्यार में बहुत ही ज्यादा बेशुमार होता रहा और उन्हें पसंद करता रहा। लेकिन जहां समीर हमेशा से अपने प्यार को दिखाते हुए नजर आए हैं, तो वहीं नैना भी अपने प्यार को कहीं ना कहीं छुपाती, या यूं कहें कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया भी है लेकिन छुपाया भी है। वेल, प्यार तो एक ऐसा एहसास है जिसे आप जितना दिखाएं उतना ही कम लगता है। ठीक वैसे ही समीर को भी यही लगता है कि नैना कहीं ना कहीं अपने प्यार को छुपाती हैं, लेकिन मन ही मन उन्हें पता है कि नैना उनसे कितना प्यार करती हैं। वेल, इनकी ये लव स्टोरी जो है वो शादी में अब जल्द ही तब्दील तो होगी, लेकिन इसी बीच जो आप सभी को रिचुअल्स यानी कि रस्में देखने को मिलेंगी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जहां आप सभी ने देखा था कि हल्दी में किस तरीके से नैना यानी कि आशी ने लिया था माधुरी दीक्षित का अंदाज। जी हाँ, बॉलीवुड की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के अंदाज जो कि उन्होंने हम आपके हैं कौन में जो उनका लुक रहा था बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जो सॉन्ग था माइंड माई उसमें जो उनका अंदाज रहा था वो बहुत ही ज्यादा फैंस ने पसंद किया था, और बॉलीवुड की इतनी खूबसूरत अदाकारा है माधुरी, उनका लुक लिया आशी ने, जो उन्होंने ड्रेस पहनी थी उसमें वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और जो उनकी अदाएं थी वो भी कहीं ना कहीं माधुरी दीक्षित से मिल रही थी, और उनकी हल्दी में जो छाप छोड़ा है उन्होंने
माधुरी दीक्षित का वो कहीं ना कहीं फैंस को बहुत ही पसंद आया है। जो म्यूजिक चलता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें कि इन सारे ही रिचुअल्स में जो आपको देखने को मिलने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रणदीप और आशी यानी कि इनकी जो कहानी है वो शो के दौरान ही शुरू हुई है। और खबरों की माने तो फैंस यानी कि आप सभी लोग काफी ज्यादा क्वेश्चंस करते रहते हैं और आपके दिलों में यही सवाल रहता है कि क्या आशी या क्या रणदीप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, यानी कि समीर और नैना क्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी चीज पर जो है ढेर सारे सवाल और हमेशा से क्वेश्चंस रहे हैं कि क्या कुछ है इन लोगों के बीच। तो वहीं खबरों की माने तो आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं रणदीप और आशी। जी हाँ, बल्कि आज तक दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस ना किया हो, लेकिन जहां तक ऐसी खबरें हैं और जिस तरीके से दोनों एक साथ लगते हैं वो कहीं ना कहीं व्यूवर्स को बहुत ही ज्यादा भाता है और बहुत ही पसंद आता है। इनकी कहानी इतनी ज्यादा रोमांटिक है कि इन्हें किसी की नजर भी लग सकती है, लेकिन आप जिस तरीके से इन्हें अपना प्यार सपोर्ट देते हुए आए हैं वो कहीं ना कहीं इस शो की कहानी के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी शुरुआत करी गई थी वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही थी। और अब तो शादी के बंधन में बंध जाएंगे नैना समीर, और इनकी कहानी आगे कैसी होने वाली है इसका भी हर किसी को इंतजार रहेगा कि शादी के बाद भी इनकी ये क्यूट सी रोमांटिक सी जो स्टोरी है वो ऐसी ही रहेगी या फिर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। पर फिलहाल तो नैना के चेहरे पर एक दुल्हन का जो अवतार जो अंदाज है वो अभी से ही देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर हम रणदीप की बात करें तो रियल लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है, उनका अंदाज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर हम शो की बात करें तो रणदीप बहुत ही ज्यादा डिसेंट से लुक में या यूं कहीं कभी कभी नॉटी भी नजर आते हैं, लेकिन आशी जिस तरीके से अपने क्यूट से अंदाज में नजर आती हैं शो में, उसी तरीके से वो रियल लाइफ में भी क्यूट से अंदाज में हमेशा रहती हैं और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लगती हैं। इनकी लव स्टोरी आप सभी को हमेशा बांध कर रखती है, वो इस वजह से भी क्योंकि ये बाकी के कपल से बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। और जिस तरीके से ये हर एक इंटरव्यू में अपने डेटिंग के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं वो सबसे मेन वजह है कि ये बाकी के कपल से कितने अलग हैं और कितने हटकर हैं, क्योंकि स्मार्टली उन क्वेश्चंस का जवाब देना हर किसी को नहीं आता है, हर कोई कहीं ना कहीं अटक जाता है। लेकिन आशी और रणदीप अपने हर एक इंटरव्यू में इतने स्मार्टली जवाब देते हैं अपने डेटिंग के सवालों का, कहीं ना कहीं फैंस को वो बहुत ही ज्यादा लुभाने लगता है कि इन्हें पता है कब कौन से सवाल पर किस तरीके से जवाब देना है। तो वहीं आपको बता दें कि इनकी क्यूटनेस और इनके जो फैंस हैं यानी कि आप लोग जो हैं वो जिस तरीके से इन्हें फॉलो करते हैं, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट फैन पेज बनाते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी छोटी से छोटी हरकतें आपको इतनी पसंद आती है कि आप उन्हें हर चीज के लिए फॉलो उन्हें पसंद करने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि बाकी के टीवी कपल से ये कपल बहुत ही ज्यादा हटकर है और बहुत ही ज्यादा क्यूट और रोमांटिक भी है। इन सभी वजहों को छोड़कर अगर एक और चीज देखी जाए तो वो है इनके बीच का रोमांस। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग अंदाज से जो ये ऑन स्क्रीन रोमांस दिखाते हैं वो बाकी के कपल से बहुत ही हट कर लगता है, बिना किसी किस के, बिना किसी ऐसे सीन के जो बहुत ज्यादा हॉट हो, बहुत ही सिजलिंग हो, उसके बिना भी इनकी जोड़ी नंबर वन पर है और इन्हें फैंस बहुत ही प्यार करती है और बहुत ही अलग अंदाज में इन्हें पसंद भी करती है। वेल, जैसे आप देख ही रहे हैं शादी का ट्रैक तो चल रहा है, लेकिन आगे भी आप सभी को खूब सारा धमाल, खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं और इसका इंतजार तो रहेगा ही। क्या समीर नैना की किस हो पाती है या नहीं, फर्स्ट किस शो की हर किसी को इंतजार है वो कब होगी, इसका इंतजार तो हमें भी रहेगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। शादी की अपडेट यानी कि ये उन दिनों की बात है के लिए जितनी भी अपडेट है उससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइट लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें और ढेर सारे कमेंट्स भेजें ये बताने के लिए कि आपको क्या लगता है कब होगी नैना समीर की पहली किस और आखिर कौन देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नैना भी अभी अप्रिशिएट करने वाली है या फिर समीर ही करेंगे फिर से रिक्वेस्ट। इन सभी चीजों को लेकर कमेंट्स में बताएं अपनी राय और अपनी फेवरेट जोड़ी के बारे में भी जरूर मेंशन करें। पर फिलहाल के लिए बस आज इतना ही।